अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका जारे का जायका किचन में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त, ठीक है। तो उसके लिए चलिए मैं कुकर चढ़ा दी हूँ, चूल्हे को जला दी हूँ बिस्मिल्लाह करके। और इससे कुकर जब तक गर्म होती है मैं प्याज काट लेती हूँ। इसमें 2 चम्मच बड़े चम्मच से तेल डाल लूँगी, ठीक है। ये 2 चम्मच तेल में डाल ले रही हूँ बड़े चम्मच से। दो प्याज है, ये देखिए 2 प्याज है, ये मैं काट के डाल रही हूँ। तो प्याज हो गई है लाल, प्याज लाल हो गई है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये मटन के पीसेस। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी मसाले। तो ये आपका बड़े चम्मच से 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मिर्चा का पाउडर तकरीबन 1 चम्मच ऐड करूंगी। और हल्दी का पाउडर थोड़ा, आधा चम्मच। और आपका धनिया का पाउडर 2 चम्मच ऐड करूंगी। और गोलकी का पाउडर थोड़ा से। और गरम मसाला ऐड करूंगी 1 चम्मच। इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं लेकिन कढ़ाई में बहुत टाइम लग जाएगा बनने के लिए। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक। आपकी कितनी क्वांटिटी के हिसाब से आप नमक ऐड करिएगा। ये मैं नमक ऐड कर देके इसको पहले गोश्त को अच्छी तरह से गला लेती हूँ। उसके बाद इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। और ये थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, लगभग 1 कप है, ठीक है। और चलिए गोश्त को गला लेती हूँ। देखिए गोश्त गल गया है। अब इसको मैं चालू कर लूंगी चूल्हे को और एक गोश्त को अच्छी तरह से भून लूंगी। उसके बाद इसमें मैं आलू ऐड कर दूंगी। तो ये तेज में ही भून लूंगी। तो देखिए तेल सेपरेट हो गया है, इसका मतलब बहुत भुंजा गया है, ठीक है। ये देखिए तेल की सेपरेट हो गया है। तब मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ और आलू को गोश्त के साथ थोड़ा भून लूंगी। आलू देखिए अच्छी तरह भुंजा गया है और महक भी इतनी बेहतरीन है ना, अच्छी खुशबू है। आहा, तो ये अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। और आलू को गलने के लिए तकरीबन 1 सीटी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं वरना आलू हलवा हो जाएगा। तो चलिए मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। आपके पास अगर धनिया पत्ती है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो नहीं है, अब तो इसी तरह ही मैं पका दे रही हूँ। और 1 सीटी मारने के बाद हमारा गोश्त और आलू, मटन आलू बिल्कुल ही रेडी हो जाएगी।
तो फिर इंतज़ार करती हूँ। तो ये एक सीटी लगने वाली है। तो अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ गैस को, और कुकर का सीटी उसी तरह छोड़ दूँगी, उसको निकालूँगी नहीं। तो फिर हमारा सालन बनके रेडी हो जाएगा मटन आलू का। तो फिर बंद कर देती हूँ। मटन और गोश्त बनके रेडी हो चुका है, और आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों, विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपको दुनिया के तमाम नेमतों से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम।